दबंग खान की बर्थडे पार्टी में किंग खान ने बिखेरा जलवा। शाहरुख खान ने सलमान खान को कर दिया बहुत बड़ा गिफ्ट। सबके सामने बर्थडे पार्टी में एक्स गर्लफ्रेंड को किस करते नजर आए सलमान। दोनों खान एक दूसरे के कानों में फुसफुसा कर रहे थे बात, सामने आई सच्चाई। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। सलमान के जन्मदिन के मौके पर एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी जिसमें बी टाउन के सितारों ने पहुंचकर समा बांध दिया। सलमान को जन्मदिन पर सरप्राइज करने के लिए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी पहुंचे, जहां दोनों के बीच कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिली। इसके अलावा संगीता बिजलानी भी पार्टी में नजर आई। वहीं सलमान ने मीडिया के साथ केक भी काटा। पार्टी में जब संगीता बिजलानी पहुंची तो सलमान ने उनका माथा चूम लिया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। ब्लू शिमर ड्रेस में संगीता बेहद खूबसूरत लग रही थी। बता दें कि एक समय सलमान खान और संगीता ने एक दूसरे को डेट किया था, हालांकि काफी वर्षों तक चलने के बाद यह रिश्ता टूट गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी के कार्ड भी छप गए थे, लेकिन सोमी अली से बड़ी सलमान खान की नजदीकियों के बाद संगीता ने रिश्ता तोड़ लिया था। 27 दिसंबर साल 1965 में जन्मे सलमान खान अपने फैंस के दिलों में बसते हैं, तो वहीं उनका बॉलीवुड में सिक्का चलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सलमान आज इंडस्ट्री के सबसे महंगे कलाकार हैं। वो एक आलीशान जिंदगी जीते हैं, लेकिन शायद ये बात कम ही लोगों को मालूम होगी कि बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान की पहली कमाई 100 रुपए से भी कम थी। क्या हुआ, सुनकर शॉक लगा ना, लेकिन हकीकत यही है। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी पहली कमाई 75 रुपए थी। उन्होंने मुंबई के ताज होटल में एक शो में बैकग्राउंड में डांस किया था, जिसके लिए उन्हें 75 रुपए मिले थे। वहीं अपनी पहली हिट फिल्म मैंने प्यार किया के लिए सलमान को सिर्फ 31,000 रुपए की फीस मिली थी। लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करते जाओ कामयाबी जरूर मिलेगी। तो अब देख लीजिए आज सलमान खान किस मुकाम पर है। सलमान को अपनी फिल्मों के लिए कभी प्यार मिला तो कभी तंज, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। सलमान खान बॉलीवुड के सबसे महंगे और डिमांडिंग स्टार बन चुके हैं। सलमान ने सिनेमा जगत को मैंने प्यार किया, साजन, हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन, जुड़वा, प्यार किया तो डरना क्या, दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। सलमान ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाकर बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का नया बार सेट किया। सलमान आज करोड़ों के मालिक है। एक्टर होने के बावजूद सलमान एक शानदार बिजनेसमैन भी है। सलमान खान का अपना प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है सलमान खान फिल्म्स। सलमान का खुद का एक ब्रांड भी है जो बीइंग ह्यूमन के नाम से चलता है, वो भी बहुत पॉपुलर है। इन सब चीजों के जरिए सलमान मोटी कमाई करते हैं। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी सलमान की करोड़ों की कमाई होती है। सलमान बॉलीवुड के ऐसे चमकते सितारे हैं जिन्होंने अपनी रोशनी से कई लोगों की जिंदगी के अंधेरे को दूर किया है। सलमान ने कई लोगों की जिंदगी संवारी है, उनके करियर में कामयाबी के पंख लगाए हैं। यही वजह है कि आज आधी इंडस्ट्री सलमान को उनके नाम से नहीं बल्कि भाईजान कहकर बुलाती है। सलमान ने इंडस्ट्री में कई ट्रेंड सेट किए हैं। सलमान खुद तो अपनी शानदार फिजिक और बॉडी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के कई एक्टर्स को फिट रहने के लिए इंस्पायर किया है। सिक्स पैक एब्स, शर्टलेस होकर बॉडी फ्लांट करने का ट्रेंड सलमान ने ही चलाया, जिसको आज उनके तमाम चाहने वाले फॉलो करते हैं। सलमान जैसा ऑरा और चार्म किसी का नहीं है। बॉलीवुड के भाईजान जिस महफिल में भी शिरकत करते हैं वहां अपने स्वैग और किलर एटीट्यूड से सारी लाइमलाइट लूट ले जाते हैं। सलमान की बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनकी फिजिक्स और स्वैग के साथ दुनिया उनके गुड लुक्स की भी दीवानी है।